खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने दो गांव को इस वक्त सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद में दो गांव इस वक्त सील कर दिए गए हैं। एहतियातन इस जगह को पूरे तौर पर सील कर दिया गया है, यानी कि ना यहां पर कोई शख्स अंदर आ सकता है और ना ही इस गाँव से कोई शख्स बाहर जा सकता है। दो कोरोना पॉजिटिव शख्स यहाँ पर पाए गए, जिनकी रिपोर्ट सामने आने के बाद में एहतियातन ये कदम पुलिस प्रशासन को इस वक्त उठाना पड़ा। ग्रेटर नोएडा में जहां पर दो गांव को सील कर दिया गया है, कहा यह जा रहा है कि जो गांव है सलारपुर गांव, जिसे सील किया गया है, तिलपता में 35 साल का एक युवक जो कि कोरोना का पॉजिटिव मिला था, कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद में गांव के सील किया गया। महिला एक मिली है सलारपुर गांव में कोरोना की पॉजिटिव। सील किए गए इलाकों से बाहर निकलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और उस गांव में हर घर तक ज़रूरी सामान खुद जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की उसके ज़रिए पहुंचाने की बात कही गई है। तो उत्तर प्रदेश के जो तीन बड़े शहर हैं जहां पर कहा यह जा रहा है कि कोरोना के एक तरीके से हब, ये तीनों शहर बने हुए हैं, जिसमें आगरा है, लखनऊ है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर का ज़िला है जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा आता है, और ऐसे में इन जगहों को किस तरीके से एहतियात के तौर पर ज़्यादा पैनी निगाह वहाँ पर रखी जा रही है। और ऐसे में जबकि आज की जो ताज़ा अपडेट आई नोएडा और ग्रेटर नोएडा से, जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में दो गांव को पूर्ण रूप से वहां पर सील कर दिया गया है। तो ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण और इसलिए क्योंकि लगातार यहां पर तादाद में इजाफा देखने को मिलता रहा है और ऐसे में